मैं सुशला दी, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आपके सामने वसंत भाग दो कक्षा सातवीं के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हम पाठ क्रमांक दो यह देखेंगे। पाठ क्रमांक दो जो है वह है दादी माँ। दादी माँ यह जो पाठ है वह शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारा जो परिवार है उस परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, बताएंगे आप मुझे? जी हाँ, हमारे परिवार में दादा दादी, अपने हमारे माता पिता, चाचा चाची, हमारे भाई बहन, यह सारे सदस्य जो होते हैं इनका समावेश हमारे परिवार में होता है। बच्चों, आप मुझे बताइए कि परिवार के सारे सदस्य हमसे स्नेह करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार हमसे कौन करता है हमारे परिवार में, बताएंगे? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमारे जो दादा दादी हैं वह हमें सबसे अधिक प्यार करते हैं, उनका स्नेह सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए परिवार में हम सबसे ज़्यादा, हमें अधिक प्रिय कौन होता है? हमारे दादा दादी। तो देखिए बच्चों, यह जो पाठ है दादी माँ, यह पाठ परिवार में जो कुटुंब प्रमुख हैं, जो उनकी दादी हैं, उनकी दादी पर आधारित पाठ है। लेखक जो है शिव प्रसाद सिंह जी, इन्होंने अपने इस पाठ के द्वारा यह बताया है कि उनके गांव का दृश्य किस प्रकार से है, उनकी जो दादी माँ है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, उनका स्वभाव कैसा है, यह सारी बातें उन्होंने यहाँ बताई है। अर्थात अपनी दादी माँ का जो वर्णन है पूर्णतः वह उन्होंने क्या किया है, इस पाठ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, पाठ के शुरू में ही लेखक अत्यंत स्तब्ध हो जाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। यह ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, यह जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, उनकी जो दादी हैं, उनके स्वर्गवास का जो पत्र है उस पत्र को पढ़कर लेखक अत्यंत स्तब्ध और हैरान हो जाते हैं। दादी माँ के जीवन से अनेक जो जुड़ी घटनाएं हैं वह सारी घटनाएं चलचित्र के भांति उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। गांव का जो दृश्य है वह भी उनकी आंखों के सामने आता है। अचानक ही लेखक की आंखों के सामने क्या हो जाता है, उनके गांव का जो दृश्य है वह आ जाता है। अश्विन के दिन और गांव के चारों ओर पानी ही पानी, हिलोरे लेना, दूर से नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों का व नाना प्रकार की घास के बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के जलाशयों यानी कि सरोवरों में लड़कों का धमाके से कूदना, ये सारी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। देखिए, लेखक अपने अतीत में गए हैं और अतीत की यह सारी जो बातें हैं वह उन्हें याद आ रही हैं। गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने की जो मुख्य चाह है या जो मुख्य इच्छा है वह सभी में विद्यमान रहती है, ऐसा लेखक बताते हैं, लेखक कहते हैं। लेकिन लेखक के बचपन में यह जो सारी घटनाएं हैं जो घटित हो चुकी हैं, लेखक अभी भी उन्हें भूले नहीं हैं। एक बार उन्हें ज्वर था यानी कि बुखार था, तो वह इस जलाशय में नहाने का जो आनंद है वह आनंद ना ले सके और इस बात को लेकर लेखक अत्यंत दुखी हुए थे। पाठ में आगे चलकर लेखक ने उनकी जो दादी माँ है उनका व्यक्तित्व जो है वह वर्णित किया है। दादी माँ जो है उनका दुबला पतला शरीर, सफेद किनार निहान धोती पहने, सन यानी कि जूट से सफेद जो बाल है वह उनमें ताजे पानी की बूंदों की टपकने का जो दृश्य है वह लेखक की आंखों के सामने आ जाता है। लेखक ने आगे चलकर उनकी जो दादी माँ है
दादी माँ के स्वभाव का वर्णन किया है कि वह किस प्रकार से उनका स्वभाव था, उनके स्वभाव के क्या गुण थे। और यह गुण जो है वह उन्होंने बताए हैं कि वह स्नेह सिक्त भाव की थी, उनकी वाणी में शासन की कठोरता थी, पर दुख का कातर होना यानी कि परोपकारी जो भावना थी वह भावना दादी माँ के स्वभाव में थी। हसमुख व सरल स्वभाव की उनकी दादी माँ थी, बड़ों का दायित्व व भविष्य की चिंता उनमें थी। प्रभावशाली व्यक्ति महत्व था दादी माँ का। दादी माँ जो थी वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यह जो सारी विशेषताएं हैं, यह सारी विशेषताएं जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, उनके दादी माँ के व्यक्तित्व की थी, उनके स्वभाव की यह सारी विशेषताएं थी। और यह स्वभाव की जो सारी विशेषताएं हैं वह शिव प्रसाद सिंह जी ने दादी माँ इस पाठ के आधार से हमें अनेक घटनाओं के द्वारा बताने का प्रयास किया है। और पाठ के अंत में उन्होंने वह अत्यंत व्याकुल हुए हैं और व्याकुल होकर वह अपने वर्तमान में लौटकर पुनः वापस आए हैं। देखिए दादी माँ का जो मृत्यु हुई है वह मृत्यु समाचार का जो पत्र है वह पत्र लेखक पढ़ते हैं और वह अपनी भूतकाल की घटनाओं में चले जाते हैं, अपनी अतीत में चले जाते हैं और उनके सामने यह सारी घटनाएं चलचित्र के सामने आ जाती हैं, जिसमें उनके दादी माँ का व्यक्तित्व होगा, उनका स्वभाव होगा, उनके स्वभाव से जुड़ी हुई अनेक सारी घटनाएँ होंगी जिनका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है, जो हम आगे चलकर अपने पाठ की ओर बढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो लेखक जब दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते हैं तो यह पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने क्या हो जाता है, जो दादी माँ है उनकी, उनका सजीव चित्र निर्माण हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सच में दादी माँ जो है वह मेरे सामने खड़ी है, मेरे सामने यानी कि लेखक के सामने। वह उनकी यादों में एकदम से उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दादी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है और पुनः वह वापस उन्हें नहीं प्राप्त होगी। देखिए अपनी जो दादी माँ है, इस दादी माँ के बारे में लेखक ने इस पाठ में उनका वर्णन किया है, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, उनके स्वभाव का वर्णन किया है। और यह सारा वर्णन करते समय उनके जीवन में जो भी अनेक सारी घटनाएं घटित हुई है, जिन घटनाओं के कारण उनके यह जो स्वभाव गुण है या इनकी स्वभाव की जो यह सारी विशेषताएँ हैं वह विशेषता हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है, यह सारी घटनाएँ हम पाठ की माध्यम से देखेंगे। तो बच्चों चलिए हम आज हमारा वसंत भाग दो, यह जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से पाठ क्रमांक दो दादी माँ यह देखेंगे। दादी माँ यह जो पाठ है, यह पाठ शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों आशा करती हूँ आप सब लोग अपने पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे होंगे और साथ में ही अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठे होंगे। जैसे ही कठिन शब्द आएंगे उनके जो अर्थ होंगे वह मैं आपको बताऊंगी, तो आप उसे पेंसिल से अधोरेखांकित कर लेना और उनके अर्थ उसके आगे लिख के ले लेना, ठीक है। बच्चों पन्ना क्रमांक चार खोलिए। दादी माँ, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूं अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने तो, सोचने से क्या होता है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखिए पाठ की जो शुरुआत है, इस पाठ की शुरुआत में ही लेखक ने यह बताया है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी कमजोरी होती है, जो किसी को पता होती है किसी को नहीं पता होती है, पर अपनी कमजोरियां हमें खुद को पता होती हैं। लेखक यह बताते हैं कि कमजोरी ही है अपनी,
अब लेखक यह बताता है कि उनकी जो कमजोरी है वह उनकी ही है, पर आगे चलकर वह यहाँ बताते हैं कि सच तो यह होता है कि जरा सी भी जो कठिनाई होती है, बच्चों कठिनाई अर्थात मुश्किल, कठिनाई अर्थात मुश्किल, जो कठिनाई होती है या जो मुश्किलें होती है, वह मुश्किलें हम हर दौर में देखते हैं। जैसे कि अगर हमने बरसों गर्मी देखी होगी, बरसात देखी होगी, या बसंत देखा होगा, यानी कि गर्मी सर्दी और बारिश, इन सारे मौसम के देखने के बावजूद भी उनका जो मन है वह मन हमेशा प्राय, यानी कि हमेशा, प्राय अर्थात हमेशा, हमेशा कैसा होता है, अनमनासा होता जाता है, वह हमेशा दुखी होते जाते हैं। लेखक आगे चलकर हमें यह बताते हैं कि उनके जो शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक अर्थात उनका भला चाहने वाले व्यक्ति, शुभ चिंतक अर्थात भला चाहने वाले व्यक्ति, तो लेखक यहाँ बताते हैं कि उनके जो शुभ चिंतक हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके सखा हैं, वह क्या करते हैं, उनके मुंह पर यानी कि उनके सामने वह क्या करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न यानी कि खुश, लेखक को खुश करने के लिए वह क्या करते हैं, आने वाली जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों की वह क्या करते हैं, सूचना देते हैं या जानकारी देते हैं। परंतु आगे चलकर यही मित्र जो है उनके, यही सखा जो है उनके, उनके पीठ पीछे वह क्या करते हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं वह कमजोरियों के बारे में बातचीत करते हैं, और जरा सी जो प्रतिकूलता है, अब देखिए यहाँ पर प्रतिकूलता अर्थात अनुकूल परिस्थितियां ना होना, प्रतिकूलता अर्थात अनुकूल परिस्थिति ना होना, तो उनकी जो प्रतिकूलता है, इस प्रतिकूलता में जब लेखक घबरा जाते हैं तो इस बात को लेकर भी वह क्या करते हैं, लेखक का मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए यह कितनी बुरी आदत है कि हमारे सामने आप लोग क्या कर रहे हो कि मीठा मीठी बोल रहे हो या मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे पीठ पीछे आप लोग क्या कर रहे हो, हमारी बुराई कर रहे हो, हमारे बारे में गलत बातें बोल रहे हो, या हमारी कमजोरियों को लेकर आप क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। ये बात गलत है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए उसकी कमजोरी को लेकर, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। और लेखक इस बात से दुखी होता है कि उसके जो मित्र है, उसके जो सखा है, वह सारे लोग क्या कर रहे हैं कि लेखक के सामने, उनके सामने वह क्या कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा कह रहे हैं, आने वाले जो छुट्टियां हैं उनको लेकर वह उन्हें सूचनाएं दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, ये सारा क्यों कर रहे हैं, लेखक के मुंह पर वो मीठा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वह लेखक को प्रसन्न करना चाहते हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वह लेखक को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह लेखक को खुश देखना चाहते हैं। परंतु जैसे ही लेखक उनसे अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो यही लोग क्या कर रहे हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक वह इस बात को लेकर उड़ा रहे हैं कि वह कमजोर है, उनकी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, या जो भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है उनके लिए, इन बातों को लेकर क्या किया जाता है, उनके मित्र लेखक का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं सोचता हूं, अब देखिए लेखक इस बात को लेकर सोचते हैं, या लेखक कहते हैं कि मैं बहुत सोचता हूं इसके बारे में, तो वह कहते हैं कि अच्छा अब कभी मैं उन बातों को ना सोचूंगा। लेखक क्या सोचते हैं कि यह सारे जो मेरे मित्र हैं, जो मुझे लेकर मजाक उड़ाते हैं या मेरी कमजोरी को लेकर मजाक उड़ाते हैं, भले ही इस बात को लेकर लेखक को दुख लगे, लेखक को बुरा लगे, उन्हें ये बात पसंद ना आए कतई ही, तो लेखक क्या करते हैं, इस बात को लेकर किसी से झगड़ते नहीं है या किसी को भरा बुला नहीं कहते हैं। वह क्या सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा कि यह जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों को सोचना ही मैं क्या कर दूंगा, अब छोड़ दूंगा, अगर मैं इन सारी बातों को सोचूंगा ही नहीं तो मुझे इन सारी बातों को लेकर दुख होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए लेखक हमें यह बताते हैं कि यह जो सारी बातें हैं, इन बातों को मैं सोचूंगा ही नहीं, ऐसे मैंने सोचा है, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। ठीक है, जाने तो, सोचने से ही क्या होता है, अब लेखक देते हैं, लेखक इन सारी बातों को भूलना चाहते हैं, इन बातों को छोड़ना चाहते हैं, और लेखक यह कहते हैं कि अगर हम कुछ सोचते हैं तो उस सोचने से कुछ नहीं होता है। देखिए जैसे कि हम भी अगर देखते हैं तो हम कुछ बातों को सोचते रहते हैं, अगर उन बातों को सोचने के बाद अगर हम प्रत्यक्ष कृति में उन्हें लाते हैं तो उस सोच का कुछ फायदा होता है। अगर हम उन बातों को सिर्फ सोचते हैं और उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं तो उसका हमारे जीवन में कुछ फायदा है, नहीं है। इसीलिए लेखक हमें यह बताते हैं कि इन
सारी बातों को अगर मैं सोचता हूँ, अगर इन सारी बातों को मैं सोचता हूँ, तो इन बातों को सोचकर कोई मतलब नहीं है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीतल किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चुकती है। लेखक जब इस सोच में गहन हो गया है, इस विचार में वह मुग्ध हो गया है, तभी लेखक कहता है कि जो शरद है, शरद यानी कि सर्दी का महीना जो होता है उसे शरद कहा जाता है। तो शरद का जो महीना है उसकी जो शीतल किरणें होती है, उन शीतल किरणों के समान, शीतल किरणें यानी कि ठंडक पहुंचाने वाली जो किरणें होते हैं, जिन्हें वह किरणें अगर हम महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर देखिए सुबह की जो किरणें आती हैं, सुबह की धूप में अगर आप बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठंडी हवा चलती है, वह जो सुबह की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर वही आप दोपहर के 12 बजे धूप में बैठोगे तो वो किरणें आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? उन किरणों को अगर आप देखोगे, 12 बजे की किरणों को अगर आप किरणों में बैठ जाओगे तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कब मैं छांव में जाकर बैठूं। तो लेखक यही बताते हैं, या लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि शीत किरणें अर्थात ठंडक पहुंचाने वाली किरणें, पेंसिल से उसे अधोरेखांकित कीजिए, शीत अर्थात ठंडक पहुंचाने वाली किरणें। तो लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि यह जो शरद की शीत किरणों के समान, यानी कि जो सर्दी का महीना है, वो सर्दी के महीने में जो ठंडक पहुंचाने वाली किरणें आती हैं, उसके समान या उसके जैसी स्वच्छ यानी कि साफ, जो एकदम साफ दिखाई दे रहा है या एकदम सफेद है, ऐसा शीतल यानी कि ठंडा। तो लेखक हमें बताते हैं कि जो शरद है, यानी कि जो सर्दी का महीना है, उस सर्दी के महीने में जो ठंडक पहुंचाने वाली किरणें होती है, जिन्हें महसूस करने के हम बहुत अच्छा हमें लगता है, तो ऐसे किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की जो धुंधली छाया है, धुंधली छाया जो होती है, यानी धुंधली छाया यानी कि हल्की सी छाया जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, धुंधली यानी कि अस्पष्ट छाया जो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो ऐसी धुंधली सी छाया क्या हो जाती है, ना छूटती है, यानी कि उनकी आंखों के सामने आ जाती है। अब देखिए लेखक पहले ही बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके दादी का स्वर्गवास हो गया है। ऐसे में वह जब सोच में बैठते हैं तो सारे मित्र उनका मजाक उड़ाते हैं, इस बात को लेकर वह दुखी है। परंतु लेखक यह सोचते हैं कि जिस बात से मैं दुखी होता हूँ उन बातों को सोचना ही मैं छोड़ दूंगा, उन बातों को मैं सोचूंगा ही नहीं। जब लेखक ऐसे विचार करते हैं तो उसी वक्त उनके आँखों के सामने क्या हो जाती है, किसी की धुंधली छाया यानी कि अस्पष्ट छाया उनकी आँखों के सामने आ जाती है और वह उन्हें अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आगे देखिए लेखक हमें यह बताते हैं कि जब उनके आँखों के सामने यह धुंधली सी छाया आने लगती है तो लेखक को ऐसे लगता है, अब देखिए यह छाया जब उनकी आँखों के सामने आती है तो लेखक को ऐसा लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। कैसे दिन आ गए हैं? क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार, अभी क्वार अर्थात क्या है बच्चों, आपको पता है? बताएंगे आप में से कोई? अच्छा, क्वार यानी कि अश्विन का महीना, जो अश्विन का महीना होता है उसे क्वार कहा जाता है। तो लेखक को ऐसा लगता है ऐसे समय में कि क्वार के दिन आ गए हैं, यानी कि अश्विन महीना जो है वह अश्विन महीना शुरू हो गया है, ऐसा लेखक को लगता है। लेखक आगे चलकर हमें यह बताते हैं कि मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी की सड़क पर विचित्र गंभा छोड़ रहे हैं। अब देखिए लेखक हमें यह बताते हैं कि यह जो अश्विन का महीना चल रहा है ऐसे उन्हें लग रहा है, और उसी समय उन्हें ऐसा लगता है कि उनके गांव में या गांव के चारों ओर क्या हो रहा है, पानी हिलोरे ले रहा है, सर्वत्र पानी ही पानी है। लेखक ऐसे कहते हैं कि दूर के सिवान से
अब सिवान अर्थात क्या बच्चों? सिवान अर्थात नाला, सिवान अर्थात नाला। तो लेखक को ऐसे लगता है कि यहाँ जो दूर के सिवान से बहकर जो पानी आया हुआ है, उस पानी के साथ देखिए मोथा और साई की जो अधगली घासें हैं, वह अधगली घासें भी क्या होती है? बहती हुई आती हैं। घेऊर और बनप्यास की जो जड़ें होती हैं, वह भी इस पानी के बहाव के साथ बहकर आती हैं। तथा नाना प्रकार की जो बरसाती घास है, इस बरसाती घास के जो बीज होते हैं, वह बीज भी क्या होते हैं? इस पानी के बहाव के साथ, इस नाले के साथ बहते हुए आते हैं। तो लेखक हमें आगे चलकर यह बताता है कि सूरज की गर्मी में जो खौलते हुए पानी में, अब देखिए सूरज की गर्मी होती है तो पानी जो होता है वो खौलने लगता है। अब खौलना यानी कि क्या? खौलना यानी कि उबलता हुआ या उबलना, खौलना यानी उबलना। तो लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि जो सूरज की गर्मी होती है, इस गर्मी से क्या हो जाता है कि यह जो नाले का पानी है, वह नाले का पानी खौलने लगता है। और यह खौलता हुआ जो पानी है, इस पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यह सारी जो चीजें हैं, यह सारी चीजें क्या होती है? इस पानी के बहाव के साथ, नाले के बहाव के साथ बहकर आती है। और इनकी जो विचित्र, विचित्र यानी कि अजीब, विचित्र अर्थात अजीब, गंध यानी कि महक, गंध अर्थात महक। तो ये सारी चीजें जो है वह पानी के बहाव के साथ बहकर आती है, तो इनसे क्या हो जाती है कि एक अजीब सी गंध, एक अजीब सी विचित्र सी महक आने लगती है, ऐसा लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चलकर वह यहाँ बताते हैं कि रास्ते में कीचड़ जो होता है, वह कीचड़ सूख गया है। बरसात के कारण सर्वत्र कीचड़ होता है। आज भी अगर हम देखते हैं तो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में अगर जरा जोर की बारिश हो जाती है, तो जोर की बारिश होने की वजह से सर्वत्र कीचड़ होता है। और जैसे ही सूरज की जो धूप है वह कड़ी होने लगती है, तो जो वह कीचड़ है रास्ते में पड़ा हुआ, वह क्या होने लगता है? सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार लेखक यह बताते हैं कि रास्ते में जो कीचड़ है, वह कीचड़ क्या हो गया है? अब सूख गया है। अब देखिए लेखक और आगे हमें यह बताते हैं कि उनके गांव के जो लड़के हैं, उनके गांव के जो लड़के हैं, वह क्या कर रहे हैं? किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब देखिए जो उनके गांव के सारे लड़के हैं, वह लड़के अपना अपना अलग आनंद उठा रहे हैं, अपना अपना अलग आनंद में लुप्त हैं। तो कौन से आनंद में लुप्त हैं? तो लेखक बताते हैं कि गांव के जो सारे लड़के, वह क्या कर रहे हैं? जो किनारे पर जो झाग भरा जलाशयों में पानी इकट्ठा हुआ है, या जो झाग भरे जलाशय हैं, उनमें यह सारे लड़के क्या कर रहे हैं? धमाके से कूद रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। अब देखिए लेखक कहते हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब देखिए लेखक हमें क्या कहते हैं कि अपने अपने मौसम की अलग अलग अपनी अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी खूबियां होते हैं। जैसे कि देखो इस अश्विन मास में यह लोग जो है, यहाँ गांव के जो लड़के हैं, वह क्या कर रहे हैं? किनारों पर झाग भरे जो जलाशय है, जलाशय अर्थात जो तालाब हैं, उन तालाबों में वह क्या कर रहे हैं? धमाके से कूद रहे हैं और उसका आनंद उठा रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि हर एक जो मौसम होता है, जैसे कि सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या बारिश का मौसम हो, इस हर एक मौसम की अपनी अपनी जो बात होती है वह अलग ही होती है। उस मौसम का जो आनंद होता है वह अलग अलग होता है। कि जैसे कि गर्मी के दिनों में गर्मी होती है तो हम ठंडे ठंडे पदार्थ खाने का आनंद उठाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, शरबत पीते हैं। ऐसे ही हम ठंडी के दिनों में करते हैं नाना, ठंडी के दिनों में हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, कानों को ठंडी ना बजे इसलिए मफलर स्कार्फ पहनते हैं। बारिश के दिनों में हम रेनकोट लेते हैं, पहन के छाता लेकर घूमते हैं कि बारिश हमें बारिश से ना भीगना पड़े। तो हर एक मौसम की अलग अलग बात होती है, ऐसा लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है। लेखक आगे चलकर यहाँ बताते हैं कि आषाढ़ जो होता है, अब आषाढ़ यानी कि क्या बच्चों? आषाढ़ यानी कि कौन सा महीना? आषाढ़ यानी कि गर्मी का जो माह होता है, या गर्मी का जो महीना होता है, वह आषाढ़ होता है। तो लेखक हमें यह बताते हैं कि आषाढ़ का जो महीना है, उस आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं। अब देखिए लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए कि अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अगर हमें आम ना खाने मिले, हमें जामुन ना खाने मिले,
तो भी हमें कोई चिंता नहीं, ऐसे लेखक बताते हैं। लेखक आगे चलकर यह बताते हैं अगहन में, अब अगहन यानी कि क्या बच्चों आपको पता है अगहन अर्थात क्या है? नहीं, ठीक है, अगहन का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। अगहन अर्थात पौष माह, जो पौष का महीना होता है, जो पौष मास होता है, उसे अगहन कहा जाता है। तो लेखक आगे चलकर यहाँ बताते हैं कि यह जो पौष का महीना है या पौष मास जो है, जो अगहन का महीना है, इसमें अगर हमें चूड़ा और गुड़ ना मिले खाने के लिए तो भी कोई दुख की बात नहीं। अब देखिए लेखक ना, आम और जामुन ना मिले तो भी उन्हें चिंता नहीं है, अब अगर अगहन के महीने में उन्हें चूड़ा और गुड़ ना मिले खाने के लिए तो भी उन्हें कोई दुख की बात नहीं है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। और लेखक आगे चलकर यह भी बताते हैं कि जो चैत है, चैत के दिनों में, अब चैत के दिनों में यानी कि कौन से दिनों में, चैत यानी कि कौन सा माह बच्चों बोलिए? बिल्कुल सही, चैत यानी कि चैत्र मास। तो यह जो लेखक है वह लेखक हमें यह बताते हैं कि यह जो चैत्र मास है, इस चैत के दिनों में यानी कि चैत्र के महीने में अगर हमें लाही के साथ, अब लाही यानी कि क्या बच्चों? लाही यानी कि कीले जो चावल से बनी होती है। तो लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि अगर चैत्र के दिनों में लाही के साथ अगर हमें गुड़ की पट्टी ना मिले खाने के लिए तो भी उन्हें उस बात का कोई अफसोस नहीं है, तो भी उन्हें उस बात का अफसोस नहीं है यानी कि उसको भी लेकर उन्हें कोई दुख नहीं है। परंतु अब देखिए, परंतु लेखक आगे चलकर हमें यह बताते हैं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब देखिए लेखक को ना कोई फल चाहिए, ना कुछ खाने को चाहिए, या किसी माह में उस कोई विशेष पदार्थ मिलते हैं, अगर वह भी उन्हें खाने के लिए नहीं मिलते हैं तो भी लेखक को कोई दुख नहीं है, उसका कोई अफसोस नहीं है। परंतु लेखक यह बताते हैं कि जो क्वार के दिनों में यानी कि जो अश्विन माह है, उस अश्विन माह में, उन दिनों में अगर उन्हें जो गंधपूर्ण जो झाग भरे जल है, जो तालाब है, जो सरोवर है, उनमें अगर उन्हें कूदने के लिए नहीं मिलता है तो यह बात को लेकर वह क्या करते हैं? बुरा मानते हैं, उन्हें काफी बुरा लगता है कि अगर इन गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर उन्हें कूदने को नहीं मिलेगा तो इस बात से वह क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं, या इस बात को लेकर उन्हें बुरा लगता है। लेखक आगे चलकर कहते हैं कि मैं भीतर हुड़क रहा था। मैं क्या कर रहा था? भीतर हुड़क कर रहा था। अब हुड़क यानी कि क्या बच्चों? हुड़क का अर्थ क्या है कि लेखक क्या कर रहे हैं? भीतर ही भीतर हुड़क रहे हैं। हुड़कना यानी कि क्या? हुड़क यानी कि चाहत, इच्छा। तो लेखक भी यहां बताते हैं कि उनके अंदर भी एक चाहत है, एक इच्छा है। अब वह इच्छा या वह चाहत क्या है, यह लेखक ने बताई है कि दो एक दिन ही तो कूद सका था। लेखक देखिए उनके मन में, लेखक के मन में क्या इच्छा है वह लेखक ने हमें आगे चलकर बताई है कि लेखक यहां बताते हैं कि उनके मन में यह इच्छा थी या उनके मन में यह चाह थी कि वह केवल सिर्फ एक या दो ही दिन वह क्या कर चुके थे, उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूद सके थे, उसका आनंद उठा सके थे। नहा धोकर वह वापस क्या हो गए? बीमार हो गए। उस तालाब के कूदने के वजह से या तालाब के ठंडे पानी के वजह से नहा धोकर वह क्या हो गए? पुनः बीमार हो गए। और जब वह बीमार हो गए तो हल्की बीमारी जो उन्हें हुई थी, ना जाने क्यों लेखक को क्या होती थी यह हल्की जो बीमारी है वह उन्हें काफी अच्छी लगती थी। अब देखिए बच्चों, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें बीमारी से हम कब जल्दी उठ जाए, हम कब ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य कब अच्छा हो जाए, ऐसी बातें हमें लगती है। परंतु यह जो लेखक है उन्हें ऐसा लगता है कि वह जो बीमार हो गए हैं तो यह जो हल्की सी जो बीमारी है, यह हल्की सी जो बीमारी है उन्हें वह काफी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, यानी कि ज्वर यानी कि बुखार, ताप, उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी कि थोड़ा थोड़ा सा बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो, जैसे कि बारिश के मौसम में अगर हम भीगते हैं तो हमें हल्का सा बुखार होता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, ठीक उसी प्रकार लेखक भी कहते हैं कि उनको हल्का सा ज्वर हो यानी कि हल्का सा बुखार हो, उनके सर में साधारण सा दर्द हो, और खाने
के लिए दिन भर नींबू और साबू मिल जाए। ये सारी बातें उन्हें क्या होती थी, काफी पसंद थी, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। लेखक कहते कि इस बार ऐसा नहीं था, इस बार हालात कुछ अलग ही थे। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। अब देखिए, इनको जो बुखार आया था वो बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका जो बुखार है वह बुखार चढ़ते ही चला जा रहा था, वह नहीं रुक उतर रहा था। लेखक कहते हैं कि रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। ठंड के वजह से लेखक रजाई पर रजाई लेकर सोते रहे और उनका यह जो बुखार है वह बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले रहा था। और ऐसे हालात में उतरा तो वह कब उतरा, रात 12 बजे के बाद। देखिए बच्चों, लेखक अपने अतीत में गए हैं और उन्होंने अपने अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। आज का पाठ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। पाठ का अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।